Hi everyone, I hope you all are doing great. So in today's tutorial, I'm going to reset my home for coming spring. Finally, थोड़ी सी ठंड कम हुई है और पतझड़ आ चुके हैं. हल्की हल्की धूप घर में आती है. So if you are new to our channel, do subscribe and without any further ado, let's begin the video. So सबसे पहले मैंने किया मेरा कारपेट क्लीन. इट वॉज सो डर्टी. आई विल शो यू द डर्ट एट द एंड. और फिर मैंने किए अपने सोफ़े साफ़. सोफ़े के ऊपर मैं हमेशा एक थ्रो लगा के रखती हूँ. देन ऑल्सो पूरी डस्ट अंदर सोफ़ों में थी. आई विल शो यू सी हाउ डर्टी इट इज़. तो ये बहुत ज़रूरी होता है आपके घर को यू नो डस्ट करना, साफ़ करना. ये हर एक एक महीने में भी अगर आप करेंगे ना, यू विल सी द डिफरेंस. काफ़ी फ़र्क पड़ता है. इन बच्चों के साथ तो हो ही जाता है काफ़ी घर गंदा. फिर हम करेंगे थोड़े से कुशन सेटअप. बेसिक ब्लू ही रख रही हूँ बिकॉज मुझे मेरे सोफ़े के साथ मैच करना था. एंड यहाँ मैंने मेरे दूसरे सोफ़े को भी अच्छे से साफ़ कर लिया. जितने भी थ्रो थे मैंने उनको वॉश करके फिर दोबारा मैंने इनको लगाया है. और इस वाले सोफ़े को भी साफ़ करके मैंने यहाँ कुशन सेट कर दिए. सो दिस साइड इज़ कम्प्लीटली क्लीन. और कोने में मैंने अपने बुद्धा और फाउंटेन एंड कुछ प्लांट्स वगैरह लगा लिए. मूविंग फॉरवर्ड अनदर साइड ऑफ द वॉल. तो यहाँ मैंने सोचा फ्रेम वाला पैटर्न बनाऊँ जो बहुत सुंदर लगता है. तो मेरे पापा ने मुझे बहुत सारी पट्टियाँ दी थी. उन्होंने अपने घर में वार्डरोब चेंज कराए थे तो इन्हीं का हम वॉल में फ्रेम जैसा बनाएंगे जो आजकल बहुत चल रहा है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है. तो मैंने इसके लिए छोटी छोटी सी कीले ली हैं और उसको मैंने इस तरह से फ्रेम करके लगा दिया है. तीन ही फ्रेम बने इसमें. आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है इसको लगाते वक्त कि जो हमारा स्क्वायर है ना नीचे वो बिल्कुल एग्जैक्ट हो. काफ़ी बार वो नहीं करेक्ट बनता है. और ऊपर सबसे टॉप वाले को मैंने सोचा कि मैं इसको डबल कर दूं तो इट्स कना लुक समथिंग लाइक दिस. सी हाउ प्रिटी दिस इज़ लुकिंग. मे बी लेटर स्टेज में मैं इसे कलर करूँ बट आज मैं इसे ऐसे ही रहने दूँगी. फिर यहाँ पर मेरा एक बहुत ही पुराना सा प्लांटर था जिसको मैंने सोचा कि थोड़ा सा डेकोरेट करती हूँ. बहुत ही सिंपल पैटर्न के साथ मैं इसे डेकोरेट कर रही हूँ. ब्लैक वाइट एंड ब्लैक एंड काफ़ी सुंदर लगता है क्योंकि ये सीमेंट का है ना. तो इसमें मुझे जेसो बेस वार्निश कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. एंड आ प्लांटर इज़ ऑल्सो रेडी. नाउ आई एम गोइंग टू सेट अप दिस एरिया. तो सबसे पहले मैं अपना टेबल लगाऊंगी. सोफ़ा लगा के पूरा ये वाला इस साइड में फ्लोरल प्लांट्स वाला सारा इस साइड ही रखने वाली हूँ. इस तरह से आप प्लांट्स को रख सकते हैं. यू नो अगर आपके पास कोई अच्छा प्लांटर है उसके अंदर आप प्लांट डाल सकते हैं. और ये एक बहुत ही सुंदर सा मैंने आर्टिफिशियल बोगनविला का फ्लावर मंगाया है विच इज़ लाइक सो स्टनिंग. और बुद्धा के बगल में ये ब्यूटीफुल से ब्रास के स्टैंड हमें गिफ्ट किए थे किसी ने असम में. तो मैं वो यहाँ लगाऊंगी. और साइड में मैं इस तरह से यहाँ पर लगा दूंगी फ्लावर. इसमें आप आर्टिफिशियल फ्लावर या आप रियल फ्लावर भी लगा सकते हैं इन हैंगिंग्स में. यहाँ मैंने इनमें आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाए हैं. एंड नाउ आई एम गोइंग टू डेकोरेट इट विद लिटिल मोर. ये ब्यूटीफुल से मिरर है यहाँ सेट ऑफ थ्री. इन सारी चीज़ों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. एंड ये वाली साइड हो जाती है रेडी. सी हाउ स्टनिंग एंड ब्यूटीफुल दिस साइड इज़ लुकिंग. और उसके बाद स्प्रिंग आया है और मैंने फ्लावर्स नहीं बनाए. ऐसा तो हो नहीं सकता. तो थोड़ी सी स्कल्पचर पेंट को लेके मैं ब्यूटीफुल सा एक छोटा सा फ्रेम बनाऊंगी. तो फ्रेम मैंने ले लिया है इट्सी बिट्सी का. बेस में मैंने लगा लिया है स्कल्पचर पेंट थोड़ा सा इसमें शाइन देने के लिए. एज यू कैन सी यहाँ मैंने ग्लिटर्स लगा लिए हैं. और फिर मैं इसमें ट्रांसफर शीट का एक ब्यूटीफुल सा छोटा सा पीस लगाऊंगी. ज़्यादा बड़ा हम नहीं करने वाले बिकॉज द फ्रेम इज़ वेरी स्मॉल. तो ट्रांसफर शीट लगाना इज़ ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल. एज यू कैन सी इसके आगे एक ट्रांसपेरेंट पेपर होता है विच यू हैव टू रिमूव. यू कैन स्टिक इट ऑन योर सर्फेस. जहाँ भी आपको इसे स्टिक करना है थोड़ा सा पानी लगाइए और निकाल लीजिए. तो इस तरह से हमारा ये जब ड्राई हो जाता है उसके बाद मैं इसके ऊपर छोटी छोटे फ्लावर्स लगाऊंगी. यहाँ आई एम नॉट गोइंग टू मेक वेरी फैंसी फ्लावर्स एंड नॉट वेरी वेरी डिफिकल्ट वन. एज यू कैन सी इन हियर बहुत ही छोटे से बस मैं इसमें प्रेस कर रही हूँ फ्लावर्स को और वो फ्लावर्स ही दिखते हैं. तो दो कलर मैंने यहाँ लिए हैं लाइट ब्लू एंड पर्पल एज यू कैन सी. और जब हम फ्लावर्स रखते हैं तो नीचे तो थोड़े से गिरते हैं तो वही थोड़ा सा
बेसिक इफेक्ट हम लाएंगे। ये सारी चीजें आप इससे पीछे से ले सकते हैं। यू कैन यूज माई कूपन कोड कंचन 5 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड वाओ दिस इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। थोड़ा सा इसे और एनहांस करने के लिए मैंने यहाँ पर 3D कोन लाइनर से छोटे छोटे डॉट्स बना दिए हैं। जो जार है उसको थोड़ा सा और हाईलाइट किया है और फिर जो साइड में फ्रेम है ना उसमें हम करेंगे पर्पल कलर थोड़ा सा ही डेकोरेशन में। हाउ ब्यूटीफुल एंड स्टनिंग दिस इज लुकिंग। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डेकोरेट दिस ब्यूटीफुल वॉल विद ऑल माई आर्ट वर्क आई हैव डन टिल नाउ। इस साइड टेबल में मैं सेट करूंगी मेरा ब्यूटीफुल सा चेस। ये चेस भी मैंने बनाया है। इन सारी चीज़ों के लिंक ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड यू कैन ऑल्सो मेक दिस काइंड ऑफ चेस एट होम। काफ़ी स्टनिंग एंड ब्यूटीफुल दिखता है इस टाइप से अगर आप बनाते हैं। एंड यू कैन एक्चुअली प्ले विद इट, इट्स नॉट ओनली फॉर शो ऑफ। इससे अनायशा एक्चुअली प्ले भी करती है। ओके, अनदर सुपर क्लासिक थिंग आई एम गोइंग टू शो यू हियर। आप अगर अपनी जो भी चेयर सोफ़ा जो भी आपके घर में है उसके नीचे अगर आप ऐसे गोल्ड टेप लगा लेते हैं ना उसका लुक ही पूरा चेंज हो जाता है। ट्राई करना और मुझे बताना कि अगर आपने कुछ ऐसा किया है तो। यही आप वॉल पे, टेबल पे, काफ़ी और अलग अलग जगह पे लगा भी सकते हैं। उसको मैं आपको कभी और दिखाऊंगी। एंड दैट्स इट, दिस इज़ हाउ आई हैव डेकोरेटेड माई हाउस फॉर स्प्रिंग। फाइनली थोड़ी ठंड गई, नॉर्थ इंडिया में वॉज लाइक सुपर कोल्ड और अब थोड़ा बेरेबल है। स्टिल इट इज़ कोल्ड बट स्टिल धूप तो एटलीस्ट आ रही है। तो अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना आपके यहाँ कैसा मौसम है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ ट्यूटोरियल। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल वॉच माई अदर वीडियोज़ एज वेल। टिल देन टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय। This morning has so clear a light as any to see the horizon and the far. Excuses were two for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my